आप भी ज़्यादा भीड़ हो चुका है भाई। और अभी जो है ना भाई, अभी 5 मिनट और है जमात करा होने में, और भीड़ देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और धूप तो धूप भाई, आप लोग एक बार भीड़ चेक करो भाई, ये चेक करो भाई। तो ये करेंगे, नमाज पढ़ के आएंगे। तो दोस्तों आप भी नमाज पढ़, आप लोग एक बार बोल दो, आप लोग को हमारे तरफ से ईद मुबारक। आप लोग को हमसे हमारे तरफ से ईद मुबारक, हमारे तरफ से ईद मुबारक। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेटिव 5 राइटर। सो कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के दिन है ना काफ़ी खुशी का दिन है भाई, जो कि आप लोग को पता ही होगा और आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो भाई वो दिन आज आ चुका है फाइनली। तो आज का दिन है ईद का, तो हमारे तरफ से सबसे पहले आप लोग का ईद का बहुत बहुत सारा मुबारक है भाई। तो आज जो है ना भाई ईद का दिन है, तो आज जो है ना भाई देख रहे हो मैं एकदम फटाफट रेडी हो चुका भाई, पैंट शर्ट सभी कुछ लगा लिया हूँ। तो भाई अभी जो है ना भाई 9:04 हो चुका है। तो आज जो है ना भाई इस्लामपुर में ना भाई 10 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। तो भाई अभी 9 ही बज रहा है और मैं रेडी हो चुका हूँ। तो भाई थोड़ी देर बाद यहाँ से चलेंगे मस्जिद मीना के इमाम साहब के पास, और वहाँ से हम लोग साथ में चलेंगे सभी आदमी ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए। तो बस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए भाई। तो आज देखते हैं हमारा ईद कैसे मनाते हैं हम लोग, तो आप लोग को दिखाएंगे। बस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और भाई आप लोग को सबसे पहले दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप लोग 10K फैमिली बना दिए भाई, 10K फॉलोवर्स हो चुका है। तो आप लोग को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई। चलिए आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में, और वहाँ पर जाकर के मिलते हैं। तो गाइस यहाँ से अब निकलते हैं, देख रहे हो अपने बाइक को भी क्लीन किए हैं अभी अभी जस्ट। अब यहाँ से निकलते हैं मस्जिद मीना के पास जा रहे हैं, वहाँ पर इमाम साहब हमारा वेट कर रहे हैं। तो इमाम साहब के साथ चलेंगे नमाज अदा करने के लिए। बाइक यहाँ पर लगा लेते हैं। तो गाइस अभी जो है ना भाई हम इमाम साहब के साथ आए हैं, और यहाँ पर जो इमाम साहब देख रहे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे साथ में यहाँ से ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए। यहाँ पर देख रहे छोटे छोटे बच्चा है, हाय बोलो। हाय दोस्तों, कैसे हो? इधर अभी इधर हमारा ईद है, तो ईद में क्या करेंगे? ईद में नमाज पढ़ने हमें, तो ये करेंगे, नमाज पढ़ के आएंगे। तो दोस्तों आप भी नमाज पढ़, आप लोग एक बार बोल दो, आप लोग को हमारे तरफ से ईद मुबारक। आप लोग को हमसे हमारे तरफ से ईद मुबारक, हमारे तरफ से ईद मुबारक। अब भी बोलो, बोलो हमारे तरफ से आप लोग को ईद मुबारक। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से चलते हैं ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए। और यहाँ पर देख रहे हो एक और छोटे बच्चा है जो कि हमसे मिलने के लिए आ चुके हैं। आओ आओ जल्दी आओ। तो क्या बोलेंगे? हाय, हम ईद को आए हैं आज नमाज पढ़ने के लिए। और बोलो हमारे तरफ से आप लोग को ईद मुबारक। हमारे तरफ से आपको ईद मुबारक। आप भी बोलो, सभी को, आप सभी को हमारे लिए ईद मुबारक। हमारे तरफ से ईद मुबारक। बहुत सारा बच्चे आ जाते हैं भाई जब मैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप लेकर के आता हूं। तो भाई और लास्ट टाइम आप लोग जुमा के दिन देखे ही होंगे, तो भाई यहां पर बच्चे लोग का प्यार है बस। और यहां पर इमाम साहब है, इमाम साहब आप लोग को कुछ बोलेंगे आज के दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम हमारे लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि अल्लाह ने हम सबको ईद का मौका अता फरमाया है। तो हमारी तरफ से और हमारे यूट्यूबर की तरफ से बहुत बहुत सबको, हम ख़ास तौर से हमारे वतन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको इस ईद में के सदक़े और इस ईद के इवज़ में सबको अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए, ख़ास तौर से हमारे मुल्क को और भी तरक्की अता फरमाए। तो भाई यहाँ से अब हम लोग चलते हैं ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा इस्लामपुर जाएंगे। वालेकुम दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी मुसलमानों को ईद मुबारक। तो भाई चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम लोग का ईद कैसे मनाया जाता है, आप लोग को दिखाते हैं भाई। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। लोग यहाँ से मस्जिद के सामने निकले तो देख रहे हैं यहाँ पर एक बंदे मिल चुके हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर लोग को ईद के दिन? सबको ईद मुबारक, सबको दिल से ईद मुबारक। कहाँ जा रहे हैं आप? ईदगाह, घर जा। तो भाई साहब देख रहे हैं अभी घर जा रहे हैं फितर का, तो चलिए मिलते हैं, ईद मुबारक हमारे तरफ से आपको, ईद मुबारक। थैंक यू। तो चलिए भाई अब यहाँ से हम लोग चलते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो अब यहाँ से हम लोग रेडी होकर के यहाँ से अब डायरेक्ट चलते हैं मस्जिद की ओर, ईदगाह की ओर, क्योंकि ईदगाह है इस्लामपुर के साइड है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना होगा, जो कि आप लोग लास्ट टाइम देखे ही होंगे, बट वो ईदगाह में हम लोग नहीं जा रहे, नया ईदगाह में जा रहे हैं। और देखिए छोटे बच्चे कितना क्यूट है भाई, भाई देख रहे हो दोनों साइड अभी जाम ही जाम है भाई रोड पे। तो यहाँ से जो ना भाई हम लोग को राइट लेना पड़ेगा। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो
और बंदे लोग का रिएक्शन जो है ना भाई अलग ही लेवल का है भाई। रोड जाम ही जाम भाई, अभी तो कुछ भी नहीं भाई, जब वापस आने टाइम में देखोगे ना भाई तो क्या ही बताऊँ यार, अलग ही लेवल का जाम रहता है रोड पे। अभी आराम आराम से चलेंगे और बंदे लोग का रिएक्शन जो है ना भाई क्या ही बताऊँ, अलग ही लेवल का है भाई। भाई अभी हम लोग को बाइक पार्क करना है भाई, तो चले देख लेते पहले कहाँ पर गैप है, नहीं तो भाई बाद में वापस आने टाइम में काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाएगा। थोड़ा और आगे कीजिए, भाई बाइक को यहीं पे पार्क कर दिया, अब यहाँ से चलते हैं ईदगाह में, देखो यहीं पे ईदगाह है भाई। धूप जो है ना भाई काफ़ी ज़्यादा हो चुका है भाई, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ईदगाह में, और ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने के बाद ही आप लोग से मिलेंगे भाई। तो बस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही है, देख रहे छोटा बच्चा लोग इधर घूम रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं किधर से जाना है भाई। देख रहे हो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई, ऐसा रोडे जाने के लिए देख रहे। तो भाई जाम देख रहे हो भाई, काफी ज्यादा जाम हो चुका है भाई, और अभी जो ना काफी ज्यादा धूप भी हो चुके भाई, देख रहे हो ये देखो कितना ज्यादा पब्लिक है, देख रहे भाई साहब काफी ज्यादा जाम है यार, आप लोग एक बार चेक करो व्यू भाई। तो भाई अभी हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे जगह मिल रहा है, हम लोग तो जनमाज भी साथ में लेकर के आए हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पर जगह मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका है भाई, और अभी जो है ना भाई अभी 5 मिनट और है जमात करा होने में, और भीड़ देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और धूप तो धूप भाई, आप लोग एक बार भीड़ चेक करो भाई, ये चेक करो भाई भीड़ भाई साहब, देख रहे हो उधर भी धूप नहीं है भाई, काफ़ी सारे बंदे लोग हैं भाई, और जनमाज वगैरह नहीं लेकर के आए हैं, चटाई वगैरह नहीं लेकर के आए, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा धूप है भाई, देख रहे हो ये चेक करो भाई पब्लिक भाई, भाई साहब तो अभी जो है ना भाई और 5 मिनट और है जमात खड़ा होने में, जब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और देख रहे हो भाई जाम देख करके तो भाई लग रहा है कि ये पंडाल जो है ना भाई, जो कि पंडाल बनाया गया है ना भाई, ये थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था, क्योंकि इधर स्पेस है, अगर स्पेस नहीं रहता तो चलता भाई, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पंडाल देख रहे हो काफ़ी छोटा कर दिया भाई, छोटा नहीं है बड़ा है, लेकिन और बड़ा होना चाहिए, देख रहे हो इधर धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई चलिए और 5 मिनट और अभी जमात खड़ा होने में, तो अभी हम लोग यहाँ पर अब सबसे यूज कर लेते हैं, जमात खड़ी हो रही है, और भाई ये चेक करो भाई भीड़ भाई, A few moments later. चालू में है क्या है, हजरत को मिलते पकड़ा जो हजरत पर हजरत को मिलते भैया जी, नमाज अदा हो चुकी है, दुआ वगैरह भी कर लिए हैं, गले भी मिल लिए हैं, काफ़ी खुशी का दिन है भाई, चलिए यहाँ सब चलते हैं। और भीड़ जो भाई था ना भाई क्या ही बताऊँ यार, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, और ये भाई अपना गोप्रो जो है भाई हैंग हो गया था यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम हैंग हुआ यार ये, लगभग मेरा लिया हुआ 1.5 साल हो गया, बट ये कभी हैंग नहीं हुआ, आज फर्स्ट टाइम हैंग हो गया था यार, और कैसे हो गया नहीं हो गया मालूम नहीं भाई, कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था भाई, अब इतना जाम था कि कैसे खोल करके ओपन करूँ नहीं करूँ, उतने में चले आए यार, और यहाँ पर आकर के देखे बैटरी वगैरह खोले हैं, उसके बाद काम कर रहा भाई, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था भाई। सो भाई क्या बताऊँ यार, अपना कैमरा ही हैंग हो गया था भाई, कितना जाम था ना भाई, पब्लिक लोग इतना थे ना क्या बताऊँ, और अभी जो है ना भाई गर्मी का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा धूप है भाई, तो हम लोग अभी नमाज अदा करके आ चुके हैं, अब इमाम साहब के साथ जा रहे हैं। तो गाइस अभी जो है ना मैं इमाम साहब के साथ आए हैं इमाम साहब के रूम में, और यहाँ पर इनवाइट किए गए थे इमाम साहब की तरफ से, तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी बांट रहे हैं इमाम साहब, और यहाँ पर सभी और दूध दही खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। इमाम साहब कुछ बोलेगा आज के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इस वक्त नमाज ईद उल फितर अदा करके घर पर पहुँचे हैं,
हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को, ख़ासतौर से अपने वतनी भाइयों को मैं तहे दिल से ईद की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह सब के लिए ये ईद का तोहफा सबके लिए खुशी लाए और सबको अच्छी ज़िंदगी। ईद कैसा मना अपने लोग को? बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ा मजमा था, जितना बड़ा पिंडाल था पिंडाल से भी बाहर बहुत एक बड़ा मजमा धूप। आप लोग देखे ही होंगे कि भाई वीडियो में कितना ज़्यादा था मजमा, है ना जी। धूप में जो है सबर के साथ जो है वो हजरत का बयान भी सुने और नमाज भी अदा की, ये बड़ी खुशी की बात है। एक महसूस ये हुई कि आइंदा चलकर जो है पिंडाल लगाया जाए तो पूरा मुकम्मल भरा लगाया जाए।